गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन लोग अपनी क्लास में पर्यायवाची शब्द पढ़ाई करेंगे। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे माँ को अपन जननी भी बोल सकते हैं और माता, तो एक शब्द का एक जैसा अर्थ देते हैं वही ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, सर्प को सांप भी बोलते हैं और विषधर भी बोलते हैं। माँ, माता और जननी एक ही अर्थ देता है। माँ का अर्थ भी माता होता है और माता का अर्थ भी माँ होता है, और माँ और माता का अर्थ जननी भी होता है। इस प्रकार एक ही शब्द का एक जैसा अर्थ देते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची को अपन लोग समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। एक बार और रिपीट करती हूँ, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पहला घर, घर को अपन लोग गृह, भवन, सदन भी बोल सकते हैं। चंद्रमा, चांद, चंद्र, शशि। पानी, जल, नीर, वारी। अब है फोर्थ है अपना बादल, बादल को मेघ, जलधर, घन भी बोल सकते हैं। बगीचा, बगीचे को अपन लोग बाग, उपवन, वाटिका भी बोल सकते हैं। पिता, पिता को बापू, तात, जनक भी बोल सकते हैं। इसी तरह है वृक्ष है पेड़, तरु, पादप। एर्थ है अपना बारिश, वर्षा, बरसात, बरखा। नाइन्थ है अपना शाम, साय, संध्या, सांझ। दसवां है ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा। ग्यारहवां है अपना सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर। बारहवां है आँख, नेत्र, नयन, लोचन। तेरहवां है हवा, वायु, हवा को वायु भी बोल सकते हैं, पवन भी बोल सकते हैं और समीर भी बोल सकते हैं। उसी तरह दिन है, दिन को दिवस भी बोल सकते हैं, वार भी बोल सकते हैं और वासर भी बोल सकते हैं। फिर आता है अपना पृथ्वी, पृथ्वी को भूमि, धरती, धरा भी बोल सकते हैं। सोलवा है आग, आग को अग्नि, ज्वाला और अनल। झंडा, झंडे को बोलते हैं ध्वज, ध्वजा और पताका। अठारहवा है अपना कपड़ा, कपड़े को अपन लोग वस्त्र, चीर और वसन भी बोलते हैं। और उन्नीसवा है अपना बच्चा, बच्चे को बालक, शिशु और लड़का भी बोल सकते हैं। और बीसवा है अपना फूल, पुष्प, सुमन और कुसुम। ये अपने हुए पर्यायवाची शब्द, इनको आप याद करोगे और लिख लिख कर वापस पढ़ोगे। और आज का आपका होमवर्क है, एक जैसा अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जैसे मैंने लिखा है बादल का होता है मेघ, मैंने मिलाया है। अब आपको सुबह का, कपड़े का, ईश्वर का और बच्चे का, फिर मिलान करके आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। अपना सेकंड क्वेश्चन आता है, सही पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का गगन नहीं होता है, तरु होता है, ना कि नयन। उसी तरह फूल का क्या होता है, पुष्प, वर्षा या प्रातः है। आग का वायु, मीन, नयन। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सही है और उस पर ही आपको गोला लगाना है। बारिश का वर्षा, बादल, धरती। शाम का क्या होगा, सुबह, संध्या, सांझ। पानी का क्या होगा, जल, थर, बाग। सातवा है पृथ्वी, पृथ्वी का धरती, वायु या जल आपको बताना है। झंडा, वस्त्र, ध्वजा और बाग। आप इन सब को सही से करना और याद करना। ओके, बाय।